नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं इकाई 2 से 6ठी कविता निसर्ग वैभव आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ इस तरीके से, कितनी सुंदर बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तरंदल बहती सीमाहीन, सलक्षण संगीत स्त्रोत सी अहरह वन भूमरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, है ना। इसकी शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ इस तरीके से मित्रों, गिरी यानी शिखर, गिरी शिखर यानी पर्वतों की चोटियां, झर यानी छनकर, घाटी यानी वादी, निस्वर यानी बिना आवाज के अशांत, अनिल यानी पवन या वायु, स्पर्श यानी छूना, पुलकित यानी प्रसन्न होना, त्रोण यानी घास, दल यानी समूह, सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा न हो, सलक्षण यानी मधुर, अहरह यानी प्रतिदिन रोज, भू यानी भूमि, मर्मर यानी आवाज करती, मर्मर यानी आवाज, कैसा आवाज, तो मर्मर करती हुई पत्तियों का आवाज, जब पत्ती में सूखी पत्तियां जमीन पर पड़ी हो या पेड़ों में लगी हो और जब उनमें से हवा गुजरती है तो जो आवाज आती है सरसर की, उसी को यहाँ पे मर्मर आवाज कहा गया है। ज्वाला यानी शोभा या लाल रंग, फूलों की ज्वालाएं यहाँ बात की गई है, तो फूलों के अलग अलग रंग, विविध रंगों की विविध ज्वालाएं, है ना। शीतल यानी ठंडी, मुकुल यानी कली, अधर यानी ओंठ, मधु यानी शहद, गुंजन यानी आवाज, है ना, मधुकर यानी भोरे, पल्लव यानी कोमल पत्ते। अर्थ यहाँ पर देखते हैं इनका, कि कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तूने इस संसार में कितनी सुंदरता बिखेरी है। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें पर्वत शिखरों से टकरा कर पेड़ों के मध्य से होकर घाटी में आती है, तो लगता है मानो धूप बड़े शांत भाव से छाँव के साथ लिपट कर धरा पर उतर रही हो। यानी सुबह के इतने मनोहर दृश्य के बारे में यहाँ कविता में कवि ने कितनी कोमलता से लिखा हुआ है, कि जो सुबह सूर्य की जो किरणें रहती है वो रेशमी एकदम कोमल सी दिखाई देती है ना, और पेड़ों में से किसी छन छन कर आ रही है। अब वे बता रहे हैं, हवा के मंद झोंकों का स्पर्श होकर घास भी प्रसन्नता से भरी हुई है, घास भी धीमी धीमी लहरा रही है, और वह हवा वन भूमि पर सीमा मधुर संगीत के समान बह रही है। यानी हवा जब पेड़ों में से या पत्तों में से होकर गुजर रही है तो एक संगीत पैदा कर रही है ना, अर्थात जब हवा बहती है तो पत्तों से टकराकर उन्हें छू कर वह मधुर संगीत को पैदा करती है। अब आगे देखते हैं, वन में विभिन्न तरह के फूल खिले हुए हैं, है ना। यहाँ पर कवि कह रहा है वन में कई तरह के फूल खिले हुए हैं, उनकी ज्वालाएं अर्थात रंग आंखों को शीतलता पहुँचा रहे हैं, है ना। भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों पर मंडरा कर उसका मीठा रस पी रहे हैं, और तितलियां जो है वे हवा में उड़ रही हैं, ठीक है। और दूर कहीं कोमल पत्तों की छाँव में बैठकर कोयल अपना मधुर गीत रुक रुक कर गा रही है ना। लेटी नीली छायाएं, अगली लाइनें देखिए, लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरा रोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण बाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझे हैं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। अब इसके शब्दार्थ को आप देखिए, शब्दार्थ इस तरीके से, कृश यानी दुर्बल या फिर कोमल, कमजोर जिसको बोल सकते हैं, गुम्फित, गुम्फित यानी गुथा हुआ, दुरारोह यानी ताड़ का पेड़, निश्चल यानी स्थिर, स्तंभित यानी स्थिर, स्वर्णभाल यानी चमकता हुआ शिखर, पर्वत का जो शिखर, पर्वत की जो चोटी है मतलब सबसे ऊंची जो उसका भाग है उसको बोला गया है यहाँ पे, कि शिखर का जो वो है ललाट है ना, उसका भाल है, उषा यानी प्रातःकाल, अभिनंदन यानी स्वागत, सांझ यानी शाम, निर्जन यानी वीरान, संध्या वंदन यानी संध्या को नमन, है ना, या संध्या के समय की गई प्रार्थना को भी संध्या वंदन कहा जाता है। कभी कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्य की किरणें कृश और कोमल होती है, बड़ी नरम मुलायम होती है, कोमल होती है ना, उनकी गुथी हुई छाया ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर पड़ रही है। अब सुबह सुबह जो सूरज की रेशमी किरणें, जो कोमल किरणें हैं, वो पेड़, किस पेड़ पर पड़ रही है, ताड़ के पेड़ पर। ताड़ के पेड़ एकदम ऊँचे लंबे लंबे होते हैं ना, और एकदम शांत है, ऐसा लग रहा है मानो वह ताड़ का वृक्ष उनकी ढाल हो, जैसे कि किरणों ने उसको अपने हाथ में पकड़कर अपनी ढाल बना लिया हो, है ना। आगे का देखते हैं, सबसे पहले यह किरणें पर्वत के शिखरों पर
यानी उसके ललाट पर पड़ती है और अभिनंदन करती है ना। सूर्य की किरणें सबसे पहले जो है पहाड़ों की चोटियों पर दिखाई देती है हमें, और शाम को ये किरणें संध्या का वंदन करने के लिए, संध्या की प्रार्थना करने के लिए करके यहीं पर सो भी जाती है ना। यानी पृथ्वी के शिखरों पर ही जो है सूर्यास्त भी दिखाई देता है, और वहाँ पर सूर्यास्त होने के बाद में वो किरणें उन्हीं चोटियों पर जहाँ वो सुबह निकलती है वहीं पर शाम को सो जाती है। अगली लाइन हम देखते हैं, अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता, गंध समीकरण सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में, खग चखते फल कुतर रही गिलहरिया कोंपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। अब यहाँ पे शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ कुछ इस तरीके से हैं, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, तारापथ यानी आकाश या नभमंडल जिसको कहा जाता है, शशि यानी चंद्र, दर्पण यानी आईना, शैल यानी पर्वत, समीकरण यानी पवन या हवा, सद्य यानी हमेशा, स्फुट यानी खिला हुआ, सम्मोहन यानी मोहित करना, विस्मय कर यानी आश्चर्यजनक, वैचित्र यानी अनोखापन, खग यानी पक्षी और मरकत यानी पन्ना या हरा, यहाँ पर पन्ना न होते हुए हरा रंग ऐसा है इसका अर्थ, ठीक है। अर्थ अर्धरात्रि में आकाश में चमकते चांद और तारे दर्पण के समान दिखाई पड़ते हैं। कितनी सुंदर कल्पना यहाँ कवि ने की है कि जो चांद और तारे हैं वो दर्पण के समान, आईने के समान दिखाई पड़ते हैं, और पर्वतों के कंधों पर सोया हुआ सुगंध का समीकरण अर्थात कई तरह के फूलों की खुशबू भी इस समय जाग पड़ती है। आधी रात्रि में जो है वो चारों तरफ खुशबू छा जाती है ना। यह खिला हुआ और निखरा हुआ सौंदर्य मन को मोहित कर लेता है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय जीवन कितने आश्चर्यजनक चीज़ों से भरा हुआ है ना, पर्वत का जीवन जो है वो कितने आश्चर्यों से भरा हुआ है, इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। पर्वतों पर वनों में कौवे फल खा रहे हैं, गिलहरियाँ कोमल कोपलों को कुतर रही है, और सभी वन्य जीव कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जीव इस मरकत के समान हरे भरे आंगन में प्रसन्नता से रहते हैं। मरकत के समान यानी पन्ने के समान हरे भरे, पन्ने का रंग कैसा होता है, पन्ना जो पत्थर होता है उसका रंग हरा होता है ना, तो उसके समान हरे भरे आंगन में प्रसन्नता से ये सारे जीव रहते हैं। अभी अगली लाइनें हम देखते हैं, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, यानी ये स्वाभाविक है कि मुझे इस समय ईश्वर याद आ जाए इतनी सुंदरता को देखकर, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो, विषण्ण जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशाफित हो उसका जीवन, लगता अपने शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अब यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिए, जड़ यानी स्थिर, चेतना यानी आत्मा या प्राणी, अहरह यानी प्रतिदिन, विषिण्ण यानी चिंतित, संघर्षण यानी स्पर्धा, विश्लेषण यानी पृथक करना अलग करना, संश्लेषण यानी उसको मिला देना, अभिशापित यानी जिसे पाप लगा हुआ हो, शुद्र यानी तुच्छ व्यक्ति, अहंता यानी अहंकार, छिन्न यानी बिखेरना या अलग कर देना फैला देना। अर्थ कवि कहते हैं ऐसा स्वाभाविक ही है कि मुझे ईश्वर याद आ जाए जब मैं इतनी सुंदर सृष्टि को देख रहा हूँ, है ना, सुंदरता को देख के भगवान की याद आ जाती है। कवि कहते हैं जब जड़ जग में इतनी सुंदरता छाई हुई है ना, जब जड़ जग ये जो जग है ये इतना सुंदर है, फिर मनुष्य क्यों प्रतिदिन चेतन जग में अपने मन को कई तरह की चिंताओं और स्पर्धाओं में डाल देता है। हम जिस जग में जीते हैं उसको चेतन जग कहा जाता है ना, हम कई तरह की स्पर्धाओं में चिंताओं में घिरे हुए रहते हैं, दिन रात अपनी इच्छाओं को पूरे करने में लगे रहते हैं। वे कहते हैं इसके लिए मनुष्य को नए सिरे से प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए, प्रकृति के प्राकृतिक रूपों का पृथकीकरण यानी उनको अलग भी करना चाहिए एवं फिर से मिलान मनुष्य को उसका करना चाहिए कि क्यों पृथ्वी पर मनुष्य ऐसा अभिशापित जीवन जी रहा है, जब भगवान ने सब दिया है फिर क्यों वो अपने हाथ से अपने लिए तकलीफें मोल ले रहा है। ऐसा लगता है वो अपने झूठे अहंकार में सीमित होकर रह गया है ना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ही मनुष्य ऐसा कर रहा है, अन्यथा तो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अवश्य मनुष्य विश्व से संसार से अलग हो गया है, पृथ्वी प्रकृति से मानव मन
निश्चित ही दूर हो गया है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जो है प्रकृति के निकट रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या कर रहा है, वो प्रकृति से दूर दूर चला जा रहा है, निसर्ग के वैभव से जो है दूर दूर चला जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको अब यह कविता खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। कृपा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही विनंती और प्रार्थना है आपसे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते।